वीरवार को शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आर्ट्स बर्ड्स ने चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी के दौरान लगाए गए चित्रों में क्राइस्ट चर्च शिमला, प्रदेश उच्च न्यायालय के भवन, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान और प्रकृति के खूबसूरत नजारे दर्शाए गए हैं। शिमला के गेटी थिएटर में इन दिनों शिमला के क्राइस्ट चर्च, प्रदेश उच्च न्यायालय के भवन, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, प्रकृति के खूबसूरत नजारों के साथ ही कई तरह की पारंपरिक झलक देखने को मिल रही है। गेटी थिएटर में आर्ट्स बर्ड्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में फाइन आर्ट्स कॉलेज शिमला और पंजाब विश्वविद्यालय के लगभग 25 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी के पहले दिन काफी संख्या में लोग चित्रकला प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे। राज्य संग्रहालय के क्यूरेटर हरी चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इन खूबसूरत चित्रों को देखकर चित्रकारों के कार्य की सराहना की। हरी चौहान ने कहा कि चित्रकारों ने बेहद खूबसूरत तरीके से इन चित्रों को बनाया है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों, खासकर शिमला आने वाले पर्यटकों को इन सुंदर चित्रों के माध्यम से कई खूबसूरत जगहों की जानकारी मिलेगी। आर्टिस्ट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये शिमला के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है कि जहाँ यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ साथ जो शिमला विजिट कर रहे हैं आजकल जो टूरिस्ट, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मीडियम में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और शिमला के लिए विशेष तौर पर इन एग्जीबिशन का ये महत्व रहता है कि शिमला में जो आर्ट एक्टिविटी है जो काफ़ी समय से इस टाउन को एक, जिसको कह सकते थे कि बिना एक्टिविटी वाला टाउन कहा जाता था कि यहाँ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, और अब कुछ एक सालों से, पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर जो एक्टिविटीज शुरू होने हुई है और यहाँ के लोगों को जो इसको देखने का अवसर मिल रहा है और आर्ट को अप्रिशिएट करने का अवसर मिलता है। प्रदर्शनी में भाग ले रहे प्रतिभागी अरविंदर सिंह स्माइल ने कहा कि गेटी थिएटर में प्रदर्शनी लगाने का अच्छा अनुभव है। यहाँ काफी संख्या में लोग उनके चित्रों को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में 25 प्रतिभागियों ने 60 के करीब पेंटिंग्स को प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा है। यहाँ पे शिमला में हमारा एक ग्रुप शो हो रहा है जो कि आर्ट बडीज के नाम से है और यहाँ पे जो पहुँचे स्टूडेंट है वो चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज से हैं, शिमला यूनिवर्सिटी से हैं और आर्ट कॉलेज से भी हैं और लगभग ये काम 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक के पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं और सारी पेंटिंग सेल करने के लिए लगाई गई हैं और यहाँ पे हिमाचल के ट्रेडिशनल, पंजाब के गांव के और पोर्ट्रेट हैं एक्सप्रेशन के ऊपर जो कि आपको बहुत ही अच्छे रंगों से देखने को मिलेगी और हम चाहते हैं कि शिमला वासी ये चीज़ मिस ना करे जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन और माने परमाने आर्टिस्टों की लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।